in the continuation of previous lecture where pass table we have created for lr 0 uh, if there is a string and that is ended with dollar for example and the string is ended with dollar all the string we end with dollar okay so on one state if dollar is read then it will go to exact state this is complete parsing table. So let's take one example. So th this was the uh, previous grammar where we have created parsing table. So for creating a parse tree on a particular input string, we required a stack. Okay. So I am going to create a stack input frame so input frame is bb that end with dollar ok and parsing table The parsing table I am going to use this one and the parsing algorithm that is same for all types of LR parser for creating output so start reading this symbol for that we st stack will start from zero state ठीक है तो जीरो स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं जब हम बी रीड करेंगे ऑन जीरो स्टेट बी रीड करेंगे तो हम सिफ्ट फोर सिफ्ट करेंगे और स्टेट क्या रहेगी फोर तो हम इसको सिफ्ट कर देते हैं बी को और स्टेट क्या मेंशन करेंगे फोर ठीक है हमेशा याद रखना कि जो सिंबल्स होंगे उसके ऊपर उसके स्टेट्स होंगे वो किस स्टेट्स में फिर अभी आपने ये रीड कर लिया अब नेक्स्ट अब आप नेक्स्ट बी रीड करोगे तो नेक्स्ट बी आप कहाँ से रीड करोगे आप स्टेट फोर पे हो और आप रीड कर रहे हो नेक्स्ट सिंबल बी जब आप फोर स्टेट पे बी रीड करोगे तो आप क्या परफॉर्म करोगे आर थ्री तो ये आपका रिड्यूस नंबरिंग हमने दी थी आर वन आर टू एंड आर थ्री सो आर थ्री में के अकॉर्डिंग आप रिडक्शन परफॉर्म करोगे तो रिडक्शन का मीन यहां पॉप परफॉर्म किया तो यहां जब आपने रिडक्शन परफॉर्म किया ठीक है तो आपका स्टैग अब आप क्या रह गया जीरो और आपने रिडक्शन कैसे परफॉर्म किया ए डिराइव बी ठीक है तो राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही सिंबल है इसलिए हमने दो पॉप परफॉर्म किए इन केस यहां दो सिंबल होते तो हम फोर पॉप परफॉर्म पर्फॉर, करते जैसे अगर मान लो इस R2 से अगर रिडक्शन होता तो R2 में क्या होगा A ड्राइव A A तो स्टैक को यहां टू सिंबल्स हैं तो टोटल टू इंटू टू जितने भी सिंबल्स हो, अगर X इंटू टू उतने पॉप आप स्टैक में परफॉर्म करोगे तो यहां एक ही सिंबल है इसलिए टू पॉप परफॉर्म किए और इसको अगर हम रिमूव करते हैं इट्स मीन क्या है आप ये सिंबल आप रीड कर रहे हो अभी इसको हम शिफ्ट नहीं किए हैं और इसको इसके प्रीवियस वन वाले को आपने पॉप कर दिया है अब पॉप करने के बाद आपने क्या किया है कि जब ए डिराइस बी तो आपने इसको किससे रिप्लेस किया है एक स्टेट ए से तो ये क्या हो गया A. अब ऑन जीरो स्टेट तो ऑन जीरो स्टेट जब आपका जीरो स्टेट था और ए आपने रीड किया तो आप किस स्टेट में मूव कर रहे हो टू ठीक है अब अभी ये बी आपको रीड करना अभी रिमेनिंग है जब लास्ट टाइम जब आपने बी रीड किया था तो प्रीवियस वाले को पॉप करना पड़ा था अगेन आप इस बी को आप जब रेड करोगे ऑन स्टेट टू टू पे हमने रीड किया ऑन स्टेट टू हमने बी को रीड किया तो आप क्या पहुंच गए स्टेट फोर पे मतलब जब आप बी पे रीड करोगे तो आप स्टेट कहाँ पहुंच जाओगे फोर ठीक है ए के ऊपर टू क्यों आया था क्योंकि के के बाद बाद हमने इसको करने के बाद ए लिखा था और जीरो स्टेट पे ए रीड करने के बाद आप सेकेंड स्टेट पे जाते हो तो हमने स्टेट मेंशन कर दिया था फिर नेक्स्ट बी को जब आप रीड करोगे ऑन सेकेंड स्टेट तो आप फाइंड करोगे सेकेंड स्टेट पे जब आप बी रीड करोगे तो आप स्टेट फोर पे मूव करोगे और शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ठीक है तो हमने जब इसको रूड किया तो बी को शिफ्ट किया और स्टेट आपका क्या हो गया फोर अब आप आपको क्या करना है अब आप स्टेट फोर पे स्टेट फोर पे आप हो करेंटली और आपने रीड क्या किया है डॉलर तो जब आप डॉलर सिंबल रीड करोगे तो आप फाइंड करोगे आपको रिडक्शन परफॉर्म करना है इसका मतलब डॉलर को आप पुश नहीं कर रहे हो इसमें रिडक्शन परफॉर्म करना है रिडक्शन किस पे करना है थ्री पे तो थ्री का क्या है डेरिवेशन ए डी बी तो इसमें टू सिंबल्स आपको पॉप करने हैं और इसकी आपको रिड्यूस करना है ए से ठीक है अब आपका स्टेट क्या है टू और इस पर आपने डॉलर रीड किया है ठीक है तो जब ये टू पे आपको डॉलर रीड करना है बट उससे पहले आपने पॉप परफॉर्म किया था जब पॉप परफॉर्म किया था तो एक ए जो है आपने इसको पुश भी करना है इस ए को जब आप पुश करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा अब आपका स्टैक कुछ इस तरीके से हो गया है जीरो ए टू ए।, ए सो आपने ए यहां पुश कर दिया अब सेकेंड स्टेट पे जब आप ए रीड करोगे तो कहां मूव कर जाओगे स्टेट फाइव पे आपने स्टेट फाइव यहां मेंशन कर दिया अब अभी आपका डॉलर अभी भी इसमें एक बार भी शिफ्ट नहीं हुआ है अभी डॉलर रीड करना बाकी है फिर जब आप डॉलर रीड करोगे तो फाइव ऑन डॉलर आपको रिडक्शन परफॉर्म करना है रिड्यूस ऑपरेशन आर वन से तो आर वन क्या कहता है एस डीव ए ए तो एस डी ए में इसके साइड टू सिंबल्स हैं इट्स मीन टू इंटू टू फोर आपको पॉप करने हैं तो वन टू थ्री फोर ये फोर आपको पॉप करने हैं, ठीक है थीके? जब ये फोर आपने पॉप किए तो क्या हुआ तो इसके ऊपर आपने क्या ऐड कर दिया एस क्योंकि एस जो है एस ड्राइव ए ए था इन दोनों ए को आपने पॉप करके ए कर दिया अब आपका स्टैक क्या हो गया जीरो और एस ठीक है सो जीरो स्टेट पे जब आप एस को रीड करते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो वन स्टेट पे अब अगेन अभी डॉलर एक बार भी आपका शिफ्ट नहीं हुआ है तो फिर डॉलर को आप रीड करोगे तो जब वन पे आप डॉलर रीड करोगे तो आप कहा पहुंच गए एक्सेप्ट स्टेट तो जैसे ही वन पे आपने डॉलर रीड किया तो आप एक्सेप्ट स्टेट पहुंच गए इस, इस बीवी का इससे पहले जब ये पॉप किया था तो यहां एस क्रिएट हुआ था तो ये आपका पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एल आर जीरो में जीरो का मीनिंग है जीरो की मीनिंग ये नहीं है कि कोई भी सिम्बल जीरो की मीनिंग ये है कि आप करेंट सिम्बल को जो रीड करते हो उस पर ही आप रुके रहते हो कोई नेक्स्ट सिम्बल रीड नहीं करते और प्रीवियस वन को रिड्यूस करते हो सो so, इट्स में जीरो लुक हेड जीरो को हम जीरो जीरो लुक हेड सिंबल इसलिए कहते हैं ठीक है दिस इज एलाज जीरो पार्सिंग मेथड थैंक यू